गुजरात की वापी मैचनत कॉलोनी में फायरिंग में दो महिलाओं की हुई मौत। लाल कलर की सीबीजेड बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर आए थे दो अज्ञात व्यक्ति। वापी के चनत विस्तार में तीन दिन पहले ही 10 करोड़ की लूट के बाद महिलाओं पर हुए फायरिंग से जिला पुलिस के ऊपर उठ रहे सवाल निशान। चनत कॉलोनी में आज एक दो महिला का दिन दहाड़े शाम को 7 बजे मर्डर हो जाता है। घर पे आगे कोई किसी का कुछ भी हो आके डायरेक्ट गोली मार के चला जाता है। तो ये एक बहुत कठिन और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जहाँ पर ये लोग जो है आज 15-20 साल से उसके ऊपर से वो लोग यहाँ रह रहा है। यहाँ का लोग जन सब लोग जान पहचान है सबके साथ, माने ये है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई मानुष यहाँ पर मर्मान्तिक घटना घट जा सकता है तो ये अपने सिक्योरिटी के लिए और बाकी सवार के लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। देखिए ये मैं महिला लोगों के नाम नहीं जानता हूँ। मैं उनको उसका जो लड़का है गुड्डू उसके साथ हम जानते हैं। हम यहाँ का ही रहवासी है, सब लोग यहाँ का ही रहते हैं। हम लोग लोकली हम लोग इधर ही हम लोग का फ्लैट है। हम लोग 20 साल से रह रहा है यहाँ पर, सब लोग जानकारी है। इसी हिसाब से हम लोग जाने के, लेकिन इसमें ऐसा कुछ देखा नहीं जो कोई बड़ा कुछ चीज़ है, कोई कुछ दुर्घटना ऐसा स्थिति कभी हम लोग देखा नहीं। कोई प्रॉब्लम किसी का सब कुछ लफड़ा। वापी चनत कॉलोनी में आए महालक्ष्मी मंदिर के नजदीक आरसीएल कॉलोनी में रहने वाली रेखाबेन मेहता और उनकी मित्र दुर्गाबेन के ऊपर किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने फायरिंग कर दी, जिससे कि महिलाओं के सिर पर गोली मार दी। दोनों महिलाओं को घर के अंदर घुसकर फायरिंग करके आरोपी फरार हो गए। रात 8 बजे ये दोनों महिला घर में टीवी पर सीरियल देख रही थी, उसी वक्त दो अज्ञात व्यक्ति मुंह पर मास्क लगाकर घर में घुस गए और दोनों महिलाओं के ऊपर 5 राउंड गोली मारकर वहां से फरार हो गए, जिसे पूरे जिले में पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। वापी के नजदीक में 2 केंद्रशासित प्रदेश और पास में ही महाराष्ट्र की बॉर्डर होने के कारण अपराधी क्राइम करके भाग निकलने में अक्सर कामयाब हो जाते हैं। वापी में हुई 10 करोड़ की लूट के बाद अभी पुलिस इस केस की छानबीन कर ही रही थी कि वहीं दूसरी ओर महिला के ऊपर फायरिंग होने से वलसाड जिला पुलिस पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। रात को करीबन 9:15 बजे वापी में चनोत कॉलोनी है। चनोत कॉलोनी में रेखाबेन ब्रह्मदेव मेहता, जिसकी उम्र 49 ईयर है, वो रहती थी और उसके साथ उसकी फ्रेंड उसकी सहेली दुर्गाबेन शेखर खड़से दिसंबर 19 से उसके साथ रहती थी। दोनों लेडीज़ घर पे अकेले थी। तब कोई लाल कलर के सिवी झेड पे दो आदमी आए थे जिसका चेहरा छुपा हुआ था, ढका हुआ था और बाइक का नंबर भी नहीं था। इसमें से एक आदमी बाइक लेके घर के सामने बाहर खड़ा रहा था और एक आदमी कुछ रिवॉल्वर जैसा फायर आर्म्स लेके अंदर घर में जाता है और दोनों लेडीज़ों पर फायरिंग करके वो दोनों को मार के निकल जाता है। दोनों लेडीज़ों को हेड इंजरी है, वो सिर पे इजा हुई है और करीबन 3 लाइव राउंड और 3 फायर्ड राउंड के केसेस हमें जगह पर से बरामद हुए हैं। सर, कोई फैमिली डिस्प्यूट अभी पहले ऐसा अभी कुछ तो नहीं जानने को मिला है, लेकिन उसका हस्बैंड जो एक्सपायर हो चुका है और उसका बेटा उससे अलग रहता है रेखाबेन से।